अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, उम्मीद यही है। और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैंने कुछ शॉपिंग करी है अपनी कॉस्मेटिक्स की, तो वो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रही थी, तो वो मैं दिखाती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें से पसंद आई हैं। सबसे पहले तो ये बीक्यूट का मेरे पास पैक पाउडर है, ये मैंने लिया है। तो ये अच्छा है लगाने में, लॉन्ग लास्टिक है और इसका कलर अच्छा है बिल्कुल। खैर वैसे तो आप लोग अपने स्किन के हिसाब से ही लेंगे, लेकिन ये इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। तो ये मैंने एक लिया है। और दूसरा जो है मैंने लिया है ये किट मैंने ली है, तो इसके बड़े अच्छे कलर हैं। तो ये मैंने एक ली है, ये है तो ये मुझे मिला है 345 का, और इसमें 24 कलर हैं और ये सारे शिमरी कलर हैं। ये देखें बड़े अच्छे से कलर हैं इसमें, स्मोकी भी है और ये कलर हैं फ्रोजी, हल्का लाइट लाइट कलर हैं, ग्रीन कलर है इसमें, और ये वाला मेहंदी सा कलर है इसमें बड़ा अच्छा सा, ये ब्राउन कलर है, ये ब्राउन है, डार्क लाइट सब हैं इसमें, पर्पल है। तो ये सारे कलर हैं बड़े अच्छे हैं। तो ये 345 का मुझे मिला है, बहुत अच्छा, 24 कलर में। एक मैंने ये लिया था, इसके अलावा मैंने अगली चीज़ मैं ये दिखा रही हूँ, ये मैंने लिया है रेवलॉन का आईलाइनर है, ये 525 रुपए का है मुझे मिला है। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छा होता है और इस लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये फैलता भी नहीं है, और इसका ब्रश वगैरह भी बड़ा अच्छा सा होता है, पतला बारीक होता है। ये मैंने इस्तेमाल पहले भी किया हुआ है और ये अब मैंने दोबारा लिया, तो इसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। और एक मैंने ये लिया है, और उसके अलावा मैंने एक और चीज़ जो ली है वो ये है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक ही मैंने ये लिया है, ये कोई नई कंपनी आई है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, अब इसका भी रिज़ल्ट पता चलेगा। लेकिन ये ZD मेकअप कलेक्शन इसका नाम है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सबसे पहले ये इसमें ये तो है आई शेड, सारे आई शेडो हैं, इनके भी कलर हैं। ये देखिए स्मोकी भी है, ब्राउन भी है, ये सिल्वर भी है, अच्छे कलर हैं इसके। और ये हाइलाइटर है, और ये ब्लश ऑन है, ये ब्राउन्जर है, और ये भी पिंक सा पिंकिश कलर है ब्लश ऑन का। तो ये इसके कलर हैं। एक मैंने ये लिए हैं, इसमें तकरीबन 7 आई शेडो हैं और ये 4 एक किट हैं। एक ये मैंने किट ली है, तो ये अब इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। पहले इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं आपको जो है ना बताऊँगी कि ये इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। ये मैंने 300 की ली थी, और इसके अलावा मैं और बताती हूँ आपको। इसके अलावा मैंने ये एक कंसीलर लिया था, एसेंस का ये कंसीलर है, और ये इस्तेमाल मैंने कर लिया। प्राइस मुझे इसके जो है ना कुछ याद नहीं है, या 250 या 350 का इस तरह का ही था ये, ज़्यादा मतलब इसके प्राइस नहीं थे। और तो ये मैंने इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और बहुत ही अच्छा ही है, एसेंस कंपनी का है ये। तो ये डार्क सर्कल के लिए है और निशान वगैरह के लिए ये सही रहता है। देखिए दाग धब्बे छुप जाते हैं इससे, कंसीलर ये सही रहे, कितना फ़र्क आ गया। तो ये अच्छा है
इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मैंने लिया है, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, और एक मैंने के लिए है ब्रश सेट है ये, तो इसके तो ये ब्रश हैं, इसमें मैंने लिए हैं 160 के ये ब्रश हैं। इसमें 5 ब्रश ये निकले हैं, तो ये हैं, एक हैं सॉफ्ट ब्रश, देखें सॉफ्ट ब्रश है, एक ये है, और ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये मुझे 160 के ये मिले हैं, 5 ब्रश का सेट लिया है मैंने एक। और इसके अलावा एक ब्रश मैंने और लिया है, ये 45 का है ले ब्रश, ये भी बड़ा अच्छा है लिपस्टिक लगाने के लिए, तो ये 45 का मुझे मिला एक। एक ही मैंने ग्लैमरस के लिए है, ब्लश एंड किट है ये, इसमें 4 कलर हैं, तो एक ये ब्राउन है, एक पिंक है, और एक ये थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्राउन है, और एक ये है कलर, ये भी थोड़ा सा पिंक पिंक सा है लाइट। तो ये 4 कलर हैं, तो ग्लैमरस की चीज़ें अच्छी होती हैं, तो इसीलिए मैंने ये ले ली है फुल कलर में। ये मैंने ये ग्लैमरस की अच्छी चीज़ें होती हैं, तो मैं इसीलिए लेती हूँ। और इसके प्राइस हैं 325 इस तरह के। और ये पर्पल कलर नज़र आ रहा है इसमें, ये शॉकिंग पिंक कलर है वैसे, और कैमरे में मुझे ये जो है ना पर्पल नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कलर वो शॉकिंग पिंक कलर, पर्पल भी हो सकता है हो जाए ये लगाने में मूवी वगैरह में, अगर आप लगवा लें तो वो अलग बात है, लेकिन ये और चारों बहुत अच्छे कलर हैं। एक ये है मैं लेकर आई हूँ बिक्यूट का आई शेडो पैलेट, और 92 कलर्स हैं इसमें, हाँ सॉरी इसमें ना 96 कलर हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, बहुत ही ये मैंने लिया है। तो अच्छा, इसमें 3 हैं, ये वाले जो हैं ये सब मैट हैं यहाँ तक, उसके बाद ये शिमरी है कलर, और ये वेलवेट कलर हैं सारे, तब तीनों ही कैटेगरी इसमें आ गई हैं। और तो इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, और हर शेड है हर एक में, इसमें भी है पर्पल, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सारे पर्पल तीनों कैटेगरी में हर शेड आया हुआ है। इसमें भी ब्राउन है, इसमें भी ब्राउन दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है ये कलर, तो इसमें काफ़ी सारे कलर आ गए हैं, हर कलर लाइट डार्क उससे डार्क सारे कलर आ गए हैं, ये 3-4 कलर एक ही शेड, एक ही कलर 3-4 शेड में है, तो इसमें काफ़ी कलर हैं। तो ये मुझे पड़ी थी 1175 की, मैंने ये ली है, तो ये भी बहुत अच्छी हैं, बिक्यूट की चीज़ें वैसी बहुत अच्छी होती हैं, ये बिल्कुल मैंने ली है नहीं, तो ये भी मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊंगी, ये वैसी बहुत अच्छी होती हैं, इसकी चीज़ें भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, लेती रहती हूँ। और इसके अलावा मैंने एक और लिया है, एक मैंने ये लिया है फाउंडेशन इकोस्टिन का, मैट फिनिश है ये, और ये मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, तो ये मैंने लिया है। तो इसके प्राइस हैं 365, ये मैंने 365 का लिया है, और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। और मैंने लिया है मैट फिनिश में लिया है ये मैंने, तो ये मैट फिनिश है,
अच्छा, इसके ये नंबर हैं, आप अपने स्किन के हिसाब से ले लें। मैंने ये नंबर लिया है 01। एक मैंने ये ब्रश लिया है, बड़ा क्यूट सा मिल रहा था। ये अच्छे हैं, इसके सॉफ्ट हैं, ये लगे हुए हैं दाने, और ये बड़ा खूबसूरत सा था तो ये मैंने लिया है। कलर भी इसका बहुत अच्छा है, पिंक सा लगा, पिंकिश कलर में ये अच्छा है। एक मैंने ये ले लिया था, एक ये मैंने ले ली थी पेंसिल, आईब्रो पेंसिल। और इसके अलावा तो ये ले ली थी मैंने 59 रुपीज़ की, और इसके प्राइस मुझे याद नहीं है, शायद 300 350 तकरीबन है। ये अच्छा है था, लगा था तो मैंने ले लिया। एक मैंने ये लिया है क्रिस्टिन का फेस पाउडर 295 का मैंने ये लिया है। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये है, ये भी हम बहुत में इस्तेमाल किए हुए हमने, तो ये भी अच्छा है, क्रिस्टिन का बहुत अच्छा होता है। एक मैंने ये लिया है, एक ग्लैमरस का ये मस्कारा मैंने लिया है 195 का। ये मैंने ले लिया है, और इसके अलावा मैंने ली है ये, इसमें ये ली थी नेल पॉलिश। ये कलर मैंने ले लिए थे, ये अच्छे थे, रवाज के हैं, ये मैंने कलर लिए थे। अच्छा, ये कोई नई कंपनी है, ये मैंने पहली दफ़ा ली है। तो ये 60 की पड़ी हैं सारी मुझे, 60 की। तो ये दोनों जो है ना, ये कोई नई कंपनी है, मैं इस्तेमाल करूँगी, फिर मुझे पता चलेगा इसका रिज़ल्ट कैसा है, ये कैसी है। ये दो रिवाज की मुझे मिली हैं, ये मैंने कलर चूज़ कर लिए थे, ज़रा मुझे अलग अलग से लेने थे, तो ये मुझे 60 की पड़ी हैं। तो ये मैंने ले ली थी, ये मेडोरा की मैंने ली है, ये 119 रुपए की मुझे पड़ी है, लिपस्टिक 200 ये इसका नंबर है। अच्छा, कलर भी मैं दिखा देती हूँ आपको, इसका कलर भी दिखा देती हूँ, ब्राउनिश सा कलर है, चाइनीज। 119 रुपए की मुझे एक पड़ी है ये लिपस्टिक, और मैट में है ये। एक ये शॉकिंग पिंक से एक ये कलर है, ये इसका कलर है, और ये इसका नंबर है 551। इलेक्ट्रिक का एक ये कॉस्मिक ये है, ये 175 रुपए की मुझे पड़ी है। इसका मैं आपको शेड दिखा देती हूँ, इसका ये ऑरेंजिश शेड है, ये इसका कलर है, और नंबर इसका 4 है, 4 नंबर है इसका, 175 की है ये। और इसके अलावा रिवाज की एक मेरे पास मैंने ली है 275 की ली है ये मैंने, और इसका ये रेडिश सा कलर है, और इसका नंबर है 08 इसका नंबर है। तो ये 4 मैंने लिपस्टिक ले ली थी बस, मैंने इतना अभी लिया है, और इसके अलावा फिर मैं कुछ लूँगी और चीज़ें, तो फिर वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी प्राइस और उसका रिज़ल्ट, तो फिर आप मुझे बताइएगा इसके बारे में भी, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं नई वीडियो में मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, आपको
के साथ शेयर करूँगी, मिलूँगी। तो जब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।